आदमी पार्टी की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें भाजपा और कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी का दामन छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। साथ ही आम आदमी पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने का निर्णय लिया गया। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके चलते आज उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी और दिल्ली के विधायक दिनेश मोहिया काशीपुर पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस और भाजपा के कई पदाधिकारी अपने समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़ने की बात कही गई। देखिए, मुद्दों की जहां तक हम बात कर रहे हैं तो वो जनता से जुड़े हुए सारे मुद्दे हमारे मैनिफेस्टो में रहने वाले हैं, और साथ ही साथ हमारा ये प्रयास है कि वो केवल मैनिफेस्टो का हिस्सा ना बने, बल्कि जो एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन की बात जो आम आदमी पार्टी हमेशा से करती आई है, और उन मुद्दों के साथ जिसमें चाहे बिजली की बात करें, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, पलायन, सब चीज़ों की बात, सब मुद्दों को हम एड्रेस जरूर करेंगे। साथ ही साथ उन मुद्दों को किस तरीके से हल करेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे मुद्दे हर एक पार्टी के मैनिफेस्टो का हिस्सा होने वाले हैं, लेकिन समस्या ये है कि वो पार्टियां ये बताने के लिए तैयार नहीं कि वो किस तरीके से करेंगी, क्या मॉडल है उनके पास गवर्नेंस का, और पिछले 70 सालों में अगर हो सकता था तो पिछले 70 सालों में क्यों नहीं हुआ, ये पूछे जाने की आवश्यकता है। जबकि हमने जो 5 साल में दिल्ली में करके दिखाया है वो लोगों के सामने एक मॉडल है, एक सैंपल है कि अगर सरकार ईमानदारी से चलाई जाए तो निश्चित तौर पर जनता से जुड़े हुए मुद्दों को हल किया जा सकता है, जनता से जुड़े मुद्दों के ऊपर सरकारें काम कर सकती हैं। अच्छा, क्या कारण है इसका? देखिए, मेरा ये मानना है कि गुटबाजी तो मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, अगर वो मीडिया के बंदों को दिखाई दे रही है तो उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। पूरी की पूरी पार्टी जो है वही केवल बूथ स्तर पर काम कर रही है, किसी भी पदाधिकारी का कोई गठन अभी तक नहीं किया गया संगठनात्मक तौर पे, केवल सबको ये कहा गया है कि अभी आप विधानसभा प्रभारी के तौर पे संगठन को आगे बढ़ाते हुए बूथ प्रभारियों की नियुक्ति करें, जिसका काम बड़ी तेजी के साथ चल रहा है, और 10,800 बूथ में से लगभग 4,500 बूथ पे हमारे कार्यकर्ता नियुक्त हो चुके हैं, और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर उत्तराखंड के हर एक बूथ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नियुक्त हों, और जिससे कि आम आदमी पार्टी की नीतियाँ और उनके कार्यक्रम उत्तराखंड के प्रत्येक घर तक, प्रत्येक गांव तक, प्रत्येक कस्बे तक, प्रत्येक शहर तक पहुँच सके। इस पूरी तरीके से ख्याल नहीं रखा है, क्या कारण? देखिए, कोशिश जितनी हो सक रही है सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, साथ ही साथ मास्क का भी प्रयोग कर रहे हैं। आप जब एंटर किए होंगे तो वहाँ पर आपका टेम्परेचर भी चेक किया गया, साथ ही साथ सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी की गई। निश्चित तौर पे जितनी छूट सरकार की तरफ से मिल रही है उसके विदिन लिमिट्स में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और कोशिश ये करेंगे कि जब तक ये कोरोना का टाइम चल रहा है उस टाइम तक हम ज़्यादा बड़ी जनसभाएं ना करें, नहीं तो बहुत बड़ी संख्या में लोग और ज्वाइन भी करना चाहते थे पार्टी, लेकिन अभी ये बोला गया है कि जब तक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रह के जितना काम हो सकता है केवल उतना ही किया जाए। हमारा ये मानना है कि हमने 5 साल में दिल्ली में काम करके दिखाया है, और उसकी जो गूंज है वो ना केवल देश में बल्कि विदेशों तक गई है। हमारा ये मानना है कि जिन चीज़ों को दिल्ली के नागरिकों को अनुभव हुआ है, चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, बिजली की, पानी की बात हो, बाकी सब मुद्दों की बात, लेकिन साथ ही साथ क्या जो सुविधाएँ दिल्ली के नागरिकों को मिल रही हैं क्या वो उत्तराखंड के नागरिकों को नहीं मिलनी चाहिए? निश्चित तौर पे आपका जवाब आएगा कि उनको भी मिलनी चाहिए। हम उन्हीं मुद्दों को लेकर उत्तराखंड के जनता के बीच में जा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अगर दिल्ली में संभव है, दिल्ली में अगर ईमानदार सरकार बना के 5 साल तक चलाई जा सकती है और जनता से जुड़े हर मुद्दों को हल किया जा सकता है, तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड में भी ये काम हो सकता है। तो इस बार आम आदमी पार्टी को मौका दे के जो मुद्दे अभी तक आपके 70 सालों से लटके हों उनका समाधान दीजिए।